आप यौगिकों जैसे बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन से परिचित होंगे। क्या आप उनके स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं? बेंजीन अधिक स्थायी है क्योंकि ये एरोमेटिक है, जबकि साइक्लोहेक्सेन कम स्थायी है क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। क्या आप कार्बनिक यौगिकों में एरोमेटिकता के मापदंड के बारे में जानते हैं? ये वीडियो हमारी अधिक जानने में मदद करेगा। हमने अक्सर एक मधुमेह व्यक्ति को शर्करा प्रतिस्थापी का उपयोग करते हुए शर्करा का सीमित सेवन करते देखा है। यह शर्करा प्रतिस्थापी बेंजोइक सल्फिलीमाइन, जिसे सामान्यतः सैक्रीन कहते हैं, एक एरोमेटिक यौगिक है। मूलतः नाम के अनुसार पद एरोमेटिक यौगिक की सुगंध या गंध को दर्शाता है। हालांकि अब ये एक प्रारूपिक संरचना वाले यौगिकों के परिवार पर लागू होता है, जिसे एरोमेटिक निकाय कहते हैं। आइए एरोमेटिक यौगिकों की संरचना का पता लगाएं और एक यौगिक को एरोमेटिक के रूप में नामित करने के मानदंडों को समझें। एरिच हकल, जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने 1931 में कार्बनिक यौगिकों में एरोमेटिकता के मापदंड निर्धारित करने में मदद करने के लिए अपना सिद्धांत दिया। सबसे पहले हम जानते हैं एरोमेटिकता का पहला नियम, यौगिक में एक वलय या एक चक्रीय संरचना होनी चाहिए। दूसरा नियम है वलय समतलीय होनी चाहिए, अर्थात वलय के सभी परमाणु एक ही तल में होनी चाहिए। तीसरा नियम, वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक पी कक्षक के साथ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। रसायन विज्ञान की भाषा में इसका अर्थ है अणु पूर्णतः संयुग्मी होना चाहिए। अंत में चौथा नियम बताता है अणु में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। आइए हम इन नियमों को एक एक करके सबसे परिचित एरोमेटिक यौगिक बेंजीन पर लागू करें। पहला नियम, क्या बेंजीन में एक वलय है? हाँ, इसमें 6sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं की एक वलय सिग्मा बंधों द्वारा परस्पर जुड़ी होती है, और इनमें से प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। दूसरा नियम, क्या यह समतलीय है? हाँ, बेंजीन वलय के सभी परमाणु एक ही तल में होते हैं। तीसरा नियम, संयुग्मन की उपस्थिति। आप देख सकते हैं बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर परमाणु एक पीजेड कक्षक तल के लंबवत होता है, और उनमें से प्रत्येक में एकल इलेक्ट्रॉन होता है। ये पीजेड कक्षक एक दूसरे को इस तरह से अतिव्यापन करते हैं, या तो वे एक तरफ या दूसरी तरफ पलट सके, परिणाम स्वरूप संपूर्ण वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है। आवेश के इस प्रसार के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मी निकाय बनता है। इस प्रकार बेंजीन के अणु को इस प्रकार दर्शाया जाता है, जहां अंदर की वलय विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों को दर्शाती है। आइए अब अंतिम नियम पर आते हैं। यदि आपको याद हो तो इसके अनुसार एक यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए वलय संरचना में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम जानते हैं बेंजीन में प्रत्येक पीजेड कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों को 4n प्लस 2 के बराबर रखते हैं और n के लिए हल करें, तो हमें n 1 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार बेंजीन हकल के एरोमेटिकता नियम का अनुसरण करता है और इसलिए इसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। आइए इस यौगिक पर एक नजर डालें, जिसमें 14 कार्बन परमाणु और एकांतर द्विबंध हैं। क्या यह यौगिक भी एरोमेटिक है? सही, यौगिक चक्रीय और समतलीय है। इसके अलावा चूंकि यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु के पीजेड कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, 4n प्लस 2 14 हो जाता है, जहाँ n 3 के बराबर है। यौगिक की एरोमेटिकता के बारे में क्या जानते हैं? जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, यद्यपि ये पी कक्षकों की उपस्थिति के साथ एक समतलीय वलय यौगिक है, जहाँ 4n प्लस 2 का मान 4 है, जिससे n इज इक्वल टू 1/2। इस प्रकार यौगिक एरोमेटिकता के प्रथम तीन मापदंडों का अनुसरण करता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों की सम संख्या है। इसका अर्थ है 4n 4 के बराबर है और n 1 के बराबर है।
ऐसे यौगिकों को प्रति एरोमेटिक कहते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के लिए 4N 8 के बराबर है और N 2 के बराबर है। हालांकि आप देख सकते हैं यह यौगिक असमतलीय है। ऐसे यौगिक जो समतल्यता के अभाव या विस्थानीकरण विघटन जैसे कारणों से नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें 4N या 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सारांश, हकल नियम किसी विशेष यौगिक में एरोमेटिकता निर्धारित करने के मापदंडों में से एक है। एक यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए यह चक्रीय समतलीय संयुग्मी होना चाहिए और इसमें 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां N शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक हो। हालांकि कार्बनिक यौगिक जो समतलीय संयुग्मी चक्रीय होते हैं और जिनमें 4N pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रति एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो समतलीयता के अभाव या विस्थानीकरण विघटन जैसे कारणों से नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें 4N या 4N plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।